हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के मॉक टेस्ट के संबंध में। और ये हमारा 38वां मॉक टेस्ट है। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलेगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। और अगर आप करंट की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, करंट को मजबूत करना चाहते हैं, एक दिन में पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे मॉक टेस्ट कर सकते हैं। सभी मॉक टेस्ट कर लीजिएगा, आपकी 70% करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगी 2018 की। उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मॉक टेस्ट का, करंट अफेयर का, और करंट अफेयर की प्लेलिस्ट दे दूंगा जिसमें 500 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। तो शुरू करते हैं, पेन और पेपर उठा लीजिए, लिखना चालू कीजिए। पहला प्रश्न, टेका बोर्ड किस स्पर्धा से संबंधित है? यह संबंधित है लंबी कूद से, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था नागसेन सुश्रुत चरक अश्वघोष। तो कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था चरक, जिसने लिखी थी चरक संहिता। और कनिष्क के दरबार से संबंधित हैं अश्वघोष, नागार्जुन, पार्थ और चरक, जिसमें से चरक जो है वो चिकित्सक थे, इन्होंने चरक संहिता लिखी है। अगला है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया? कर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मूल कर्तव्य जो है वो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर शामिल किए गए थे। मूल कर्तव्य जो हैं वो लिए गए हैं रसिया से, USSR। मूल कर्तव्य 51 के का में है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला है, सामुद्रिक कच्छपों की जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय महाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाली 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छ में सबसे अधिक संख्या किसकी है? बताना है आपको, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये है ऑलिव रिडले, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला है, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा कारक है? वाहनों से निकलने वाली गैसें, पेड़ों से निकलने वाली गैसें, भट्टियों से निकलने वाली गर्म हवा, रसोई गैस से। तो ये है वाहनों से निकलने वाली गैसें। और 10 प्रश्न में से अगर आप 8+ कर रहे हैं तो ये मान के चलिएगा आप जो है अध्यापक की रेस में नंबर 1 पर रहेंगे, मतलब आप अध्यापक जरूर बनेंगे। अगला है, धातु प्रस्तर कहा जाता है किसे? तो धातु प्रस्तर कहा जाता है एस को, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं किसका? ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, बी ऑप्शन सही है। अगला है, भूकंप मापा जाता है, सभी को पता है, रिक्टर पैमाना, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है, बताना है आपको, इसका ऑप्शन आपका पहला सही है, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ के पिघलने से। लास्ट प्रश्न है हमारा, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, यह है SO2, डी ऑप्शन इसका सही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो भी खत्म होता है और 10 प्रश्न समाप्त होते हैं। कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपने 10 में से कितने प्रश्न सही किए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में।